योगी ने 21 साल की उम्र में छोड़ दिया था घर। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस कारण छोड़ दिया था घर? उत्तराखंड के पहाड़ों में था घर, फिर बने संत, जाने उनके परिवार के बारे में। जब सन्यासी बने तो ऐसा था योगी का लुक, फिर सन्यासी से सीएम तक का सफर। आज के समय में सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे देश में पावरफुल नेताओं में शामिल हैं। चाहे उनका माफिया पर प्रहार हो या यूपी का सुरक्षा व्यवस्था, हर जगह वो नंबर वन पर हैं। जब से वो सीएम बने हैं, अपराधियों की कमर तोड़कर रख दी है। चलिए आज आपको बताते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में, घर छोड़ने से लेकर सीएम तक के सफर के बारे में। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ स्कूल की दिनों से ही विद्यार्थी परिषद के वर्कर के रूप में कार्य करते थे। शायद यही वजह थी कि हिंदुत्व के प्रति उनका लगाव शुरू हो गया था। वो अक्सर वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया करते थे। विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यक्रम था जहां पर तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश पर महंत अवैधनाथ को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। उस कार्यक्रम में देश भर से आए कई छात्रों ने अपनी बात रखी। जब योगी ने अपनी बात रखनी शुरू की तो लोगों ने खूब सराहना की। भाषण सुन अवैधनाथ जी महाराज बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपने पास बुलाया और पूछा, कहां से आए हो? तब उन्होंने बताया कि वो उत्तराखंड के पौड़ी के पंचूर से हैं। तो अवैधनाथ महाराज ने कहा कि कभी मौका मिले तो मिलने जरूर आओ। फिर क्या था, सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने गए और उसके बाद उनका पूरा जीवन चक्र ही बदल गया। योगी आदित्यनाथ ने 21 साल की उम्र में ही परिवार छोड़ दिया था और गोरखपुर आ गए थे। उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। 1994 की फरवरी में नाथ पंथ के विश्व प्रसिद्ध मठ गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर में महंत अवैधनाथ ने अपने उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ का दीक्षाभिषेक किया। अजय सिंह से योगी आदित्यनाथ तक का सफर। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के गढ़वाल में राजपूत बिष्ट परिवार में पैदा हुए योगी आदित्यनाथ का पहले नाम अजय सिंह बिष्ट था, लेकिन नाथ संप्रदाय में दीक्षित होने और संन्यास लेने के बाद उनका नाम योगी आदित्यनाथ हो गया। गोरक्षनाथ मंदिर ने योगी आदित्यनाथ को दिलाई बड़ी पहचान। गोरक्षनाथ मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। मकर संक्रांति पर हर धर्म और वर्ग के लोग बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। महंत दिग्विजय नाथ ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया था। उन्हीं के समय गोरखनाथ मंदिर हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में बदला, जिसे बाद में महंत अवैधनाथ ने और आगे बढ़ाया। उनके निधन के बाद महंत योगी आदित्यनाथ इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि उनके परिवार में कौन कौन है। आनंद सिंह बिष्ट के परिवार में पत्नी सावित्री देवी के साथ 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। बेटों में बड़े मानेंद्र हैं और दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ हैं। तीसरा बेटा शैलेंद्र मोहन और चौथे महेंद्र हैं। पुष्पा देवी, कौशल्या देवी और शशि देवी उनकी बेटियां हैं। सीएम योगी के बड़े भाई गौरव के मुताबिक योगी आदित्यनाथ 4 भाई हैं और 3 बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। उनके 2 भाई कॉलेज में नौकरी करते हैं और 1 भाई सेना की गढ़वाल रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। क्या 21 साल की उम्र में सीएम योगी ने छोड़ दिया था घर? बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने 21 साल की उम्र में ही परिवार को छोड़ दिया था। इसके बाद वे गोरखपुर आ गए और वे सन्यासी हो गए। एक बार उनके पिता अपनी बेटी को वापस घर बुलाने के लिए मनाने गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा करने से मना कर दिया और पिता को समझाकर घर वापस भेज दिया। ये घटना 24 साल पहले की बताई जाती है। आज वो देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने काम से सभी के दिलों में जगह बनाई। और चर्चा ये भी है कि उनको जनता पीएम के रूप में देखना चाहती है और युवाओं से लेकर बुजुर्गों में हमेशा क्रेज में रहते हैं।